लखनऊ में मानवता हुई शर्मसार, पुलिस की पिटाई से युवक की मौत। योगी सरकार को धूमिल करने में लगी इंटोंजा पुलिस। योगी सरकार में पुलिस कमिश्नरेट आने के बाद नहीं बदली पुलिस की छवि। पुलिस कमिश्नरेट आने के बाद माना जाता था कि अब पुलिस जनता के प्रति कुछ अच्छा व्यवहार करेगी, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। इटौंजा पुलिस पर लगे गंभीर आरोप, क्या कुछ कहा पीड़ित परिवार ने, आइए जानते हैं। अब जब रक्षक ही बन जाएंगे भक्षक, तो ऐसे में पुलिस पर सवाल उठना लाजमी होता है। आखिरकार पीड़ित के पति ने ऐसा क्या अपराध किया कि इटौंजा पुलिस को उन पर पट्टे बरसाने पड़े। कौन सा इटौंजा? अच्छा, कमरे बंद करके मारते रहे। जो हमने देखा दारा खिड़की डगर, तो क्या कर रहे हैं, हम कह रहे मेरे पति को क्यों मार रहे हो, कौन गलती करके आया है? तो कह रहे हैं जाओ यहाँ से, नहीं तुम्हारी मदर को जांघे फड़वा देंगे लेडीज पुलिस ला के। चलिए जब हमको घर वहाँ से भगाने लगे, और हमारे पति को वहाँ पे मारते रहे और छोड़ भी नहीं, सारा दिन थाने मार के बंद करने रहे, और शाम 6:30 बजे 151 में चालान कर दिया। वो 7 बजे घर आया, ब्लड वहीं से चलने लगा, वहीं से भी से इलाज पानी करने लगा। हमारा पति इलाज करने से नहीं ठीक हुआ, खत्म हो गया हमारा पति। इतना दबाव करते रहे कि बहुत गरियाते, उल्टा दिन हम ही को थाने में भगा दिया रहा। तो आपने कहीं ऊपर कोई शिकायत की कुछ? वो नहीं कहे, हमने पति के इलाज में पड़े रहे, कहीं कुछ नहीं कर पाया। मृतक आपके कौन थे? पिताजी थे हमारे। अच्छा, तो क्या उन्होंने कुछ बताया था कि उनके साथ कोई मारपीट हुई थाने में ऐसा कुछ? उन्होंने जब उनकी ज्यादा तबीयत बिगड़ने लगी, तो मैंने अस्पताल में पूछा उनसे कि क्या हुआ था थाने में आपके साथ, तो उन्होंने बोला कि ऐसो ने मुझे गिरा के छाती पे लाते, 2-4 लाते मारी थी और पट्टा मारा था। तो मैंने पीठ खोल के देखी थी, तो पट्टे छपे हुए थे वहाँ पर। अच्छा, तो उसके बाद जब थाने से घर आए हैं, तो उनको क्या दिक्कत हुई? उनको सीने में दर्द हुआ और उल्टियाँ होने लगी। तो मैंने कहा मुझे कोई पता नहीं था कि इतनी बीमारी हो जाएगी, तो मैं कहा चलो ठीक है दवा लेके आते। तो मैं इटौंजा गया प्राइवेट क्लिनिक से, दवा लेके आया शाम को, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। अगले दिन बहुत ज्यादा ब्लड आने लगा खांसी के साथ, फिर मैं लखनऊ शाम को लेके भागा के हॉस्पिटल। फिर वहाँ क्या बताया? फिर वहाँ पे एडमिट नहीं किया, उन्होंने बोला कि जब तक कोरोना की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम एडमिट नहीं कर सकते। उन्होंने अलग और कमरा दूसरा था वहाँ पे डाल दिया उन्होंने, और उनकी हालत टाइम टू टाइम बहुत गंभीर होती रही। फिर एसएम में ले गए, उन्होंने बोला वहाँ ले जाइए, वहाँ लेके गए, वहाँ पे एडमिट किया आईसीयू में। फिर तब भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, फिर वहाँ पे जब ठीक नहीं हो रही, तो क्योंकि जब कोरोना की रिपोर्ट आई, तो उन्होंने बोला वापस लेके आओ उनको। फिर मैं वापस लेके गया। तो कोरोना रिपोर्ट क्या थी, निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव थी। अच्छा, निगेटिव थी। फिर फिर मैं लेके गया वहाँ शाम को 8:30-9 बजे, तो उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, जब मृत्यु हो गई, तो आपने किसी आला अधिकारी से संपर्क किया, कोई सूचना दी? नहीं। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं इतना चाहता हूँ जिन्होंने मारा है केशव साहब ने, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चन के लिए कुछ होना चाहिए। कितने बच्चे हैं आपके? 5 लड़का, 2 लड़की। 3 लड़का है, 2 लड़की है, लड़की सबसे छोटी है, 1 लड़का छोटा है। एक लड़की हमारी पागल हो गई घर पे, बाप के रास्ता में थोड़ी थोड़ी खराब हो रहा है, बाप के खत्म होने पे सुन के देख के वो बिल्कुल ही भी पागल पड़ी घर में, उसी से भाग रही है। तो अंतिम संस्कार के लिए क्या किसी ने कोई दबाव बनाया आपके ऊपर? बहुत दबाव बनाया। किसने दबाव बनाया? अब वहाँ पे हमने रोने पिटने में रहा, मगर हमको पुलिस ने हमारे मोहरे पर गास लिया। मैं कह रहा काफी ज्यादा लोग वहाँ थे, पुलिस की काफी गाड़ियाँ थी, सुबह काफी ज्यादा लोग आ गए, विधायक आ गए, उन्होंने प्रेशर डाला कि आप इनका अंतिम संस्कार करिए, अदरवाइज अगर इनके यहाँ रहने से कोई इन्फेक्शन हुआ, कुछ हुआ, तो आपका पूरे परिवार को ले जाके थाने में डाल देंगे। ये सब किसने कहा थाने में डाल देंगे? वहाँ पे जो पुलिस लोग थे, तो जबरदस्ती आपसे अंतिम संस्कार करा दिया गया? जबरदस्ती करा लिया, हमने नहीं जाने दी थी, बर्फ लेने नहीं जाने दिए मेरे पति को पौड़ाने के लिए, रात में गंदी घास ली, हमारे बच्चे सब लौट रहे, बर्फ लेने नहीं जाने दिया। हमने कहा अपने पति को बर्फ पे लगा के पौड़ा लेंगे, हम नहीं करेंगे, मगर वो नहीं लाने दिया। रात में करने लगा 12 बजे तक, फिर 12 बजे में आया कहने की बाडी फुकवा दे दिए, मगर हम नहीं जाने दिया। मगर सुबह
6-6 बजे हमारे पति के करवा दिया जाएगा पहुँचे। 6-7-8 बजे का वहाँ तो इंतजाम करेंगे। हम इतना चाहते हैं कि एसओ साहब जो थे नंद किशोर जी जिन्होंने मारा है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे किसी परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जिससे हमारे परिवार का खाना पीना चल सके, और उसके बाद जो सरकार कर सके हमारे।